हेलो गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? सो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत एक्चुअली मैं लेट कर रही हूँ, नाइट में कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ सितंबर में लूना पार्क लग जाता है, तो इस बार हमारे एरिया में मतलब अभी थोड़ा लेट लगेगा। इससे मतलब अभी जो लग रहा है वो दूसरे एरिया में लग रहा है, तो हम दूसरे एरिया में मतलब अपने एरिया से थोड़ा सा आगे जाके लूना पार्क लग रहा है, तो वहाँ झूला झुलाने में अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। तो आरव को भी रेडी कर दिया है, देखिए रेडी हो गया है। चले, तो आरव रेडी है ना? कहाँ घूमने जा रहे हैं हम? लूना पार्क जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? लूना पार्क। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं। एक्चुअली जो जहाँ हम लूना पार्क के लिए आए हैं वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास में ही है। तो हमने हस्बैंड को बोल दिया था, पता मैं और मेरी फ्रेंड वगैरह उसकी फैमिली हम सब गए थे, तो उन्होंने हमने बोल दिया था कि वो हस्बैंड ऑफिस के वहीं से लूना पार्क आ जाएंगे, और हम घर से डायरेक्ट निकल गए हैं। मैं अपनी फ्रेंड उसकी फैमिली के साथ आई हूँ, तो हम लूना पार्क पहुँच गए, हस्बैंड ऑफिस से पहुँच गए। तो अभी हम जस्ट अभी ओपन ही हुआ है, तो हमने ये रेस्टोरेंट वगैरह पे हमने खाना वाना खा लिया था, और उसके बाद अभी आए हैं। अभी तो 8:30 बजे सब खाली है, 8:30-9 बजे स्टार्ट 8:30 बजे स्टार्ट होता, अभी कोई आया नहीं है, तो अभी खाली खाली है। तो ये मैं एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के झूले वगैरह लगे हैं। तो हमेशा की तरह हर साल हमारे यहाँ झूले लगते हैं, आपको पता ही है। मैंने लास्ट पिछले साल का भी मैंने व्लॉग डाला है लूना पार्क का, उससे पिछले साल का भी डाला है। तो ये सभी ना सभी कंट्रीज़ में लगते हैं एक्चुअली ये लूना पार्क। इसे अम्यूजमेंट पार्क भी बोला जाता है, और इटली की लैंग्वेज में इसे लूना पार्क भी बोला जाता है। लूना का मीनिंग होता है मून ना, तो मैं आपको बता देती हूँ लूना पार्क डिफरेंट स्टाइल के राइड्स लगते हैं। जो पार्क है हर टाइप के राइड्स लगते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हर टाइप्स के राइड्स लगे हैं। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट है। तो हम पहले सोचे कि बच्चों को झुला देते दोनों बच्चों को, फिर बाद में हम अपने हैवी राइड्स ले लेंगे। तो लूना पार्क में एंट्री करने के लिए ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट राइड्स के चार्जेस है। जो भी लेना चाहो, कम से कम 3 यूरो से लेकर और 7 यूरो तक है चार्जेस ना। जैसे कि इंडिया में मैं आपको बताती हूँ, हर साल जैसे तीज का मेला लगता है ना, सेम उसी तरह एग्जांपल ही बता रही हूँ, सेम उसी तरह से ना यहाँ पर साल में एक बार लूना पार्क लगता है। और यहाँ पर सभी अपनी फैमिलीज के साथ ना फन करने के लिए आते हैं। और इस टाइम पर थोड़ी थोड़ी अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लग रहा था जैकेट लानी चाहिए थी, बट मैं ला नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा चलो इतनी ठंड नहीं है, पर बाहर निकल के ठंड लग रही है। ये देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, ये देखो ये लग रहे ड्रम रोल लग रहा है राइट्स। मतलब इस बार ना, मतलब हम अपने एरिया से हट के दूसरे एरिया में आए, तो यहाँ पर हर एरिया के हिसाब से लगता है ना, जो स्पेस होता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हैवी लगते हैं। तो हम देख रहे कि कौन से राइट्स हम ले। ये देखो कितने प्यारे प्यारे झूले लग रहे हैं ना यहाँ पर। ये वाटर ट्यूब का है, अंदर इस ट्यूब में जाके ना बच्चे खेलते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी ना ये कौन से राइड सिलाए कौन सा नहीं। तो एक बार अच्छा लगा अलग डिफरेंट एरिया में जाके। मैं आपको बता देती हूँ, लूना पार्क इटली में 1953 में स्टार्ट हुआ था, बट ड्यू टू सम रीज़न ये 2008 में ये इसे बंद कर दिया था, बट नाउ ये 2016 में रीस्टार्ट कर दिया है लूना पार्क ना, रीओपन कर दिया है। तो अब 2016 से कंटिन्यू हर साल लूना पार्क लगता है, बट कोविड के दौरान ये यहाँ पर एक साल नहीं लगा था, बट फिर कोविड से नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से थोड़े थोड़े झूले स्टार्ट हो गए थे। तो मैं बस ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर काफ़ी, मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी फूड कोर्ट्स भी है, अगर आप जैसे कि खाना चाहो तो कुछ खा सकते हो। बट हमने पहुँचने के बाद हमने अपना खाना वाना खा लिया था, तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने टिकट ली है, तो बच्चों को पहले राइड दिला देते हैं, हमने सोचा। तो बच्चों के अब इस बार ना बच्चे बड़े हो गए, तो उनके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट एक झूले पर हम साथ में बैठ गए थे बच्चों के साथ, तो मेरी फ्रेंड और हमने बच्चों को झूला राइड दिलाया है। ये स्नैक राइड है, और ये भी हैवी राइड था, बच्चों के हिसाब से हैवी था, बट मेरा इस बार मेरा बेटा डरा नहीं है, आराम से झूल लिया।
काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा मेरी फ्रेंड। और मैंने सोचा कि ये जो हैवी सबसे बड़ा ये चूल्हा था, राइट था, बहुत ऊंचा था, तो हम देख रहे थे कि हम सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि ले ना ले, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं ले पाऊंगी, क्योंकि ले पाऊंगी क्योंकि मुझे आते चक्कर बहुत बुरी तरह से ना सर घूम जाता है, तो राइट को देख रहे थे कि ले पाएंगे नहीं। तो फाइनली हमने लिया ये राइट भी, और हमने 3-4 राइट मेरी फ्रेंड ने लिए हैवी राइट, बच्चों ने तो कैर लिया ही है। तो एक झूला भी, दूसरा झूला ये बेटे को और मेरी फ्रेंड की डॉटर को ये झूल रहे हैं, तो इस बार मेरे बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इस बार अकेले इसने, मेरे बेटे ने 2-3 राइड्स लिए है, और साथ में कहते हैं इकट्ठे को दिखते दूसरा बच्चा भी थोड़ा सा इंजॉय करता है, तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है उसने भी, वो भी नहीं डरी, वो भी साथ में राइड ले रही है बेटे के साथ ना, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है।
की राइट ले रहे हैं, मतलब सबसे ऊंचा वाला जो झूला है ना, ऊपर से झूले से दिख रहा है देखो सारा नीचे का ना। तो हमने सोचा था कि ना वो सबसे ज़्यादा डर लगेगा इसी झूले में, बट इतना डर नहीं लगा। तो तभी मैंने ये वीडियो बनाई ऊपर वाले झूले से, ऊपर वाले झूले से ही मैंने वीडियो बनाई। तो जितना लग रहा था ना उस टाइप से उतना झूला डर नहीं लगा, क्योंकि स्पीड इसकी बहुत धीरे थी। मतलब एक होता है ना ऊँच हाइट वाले झूले में अगर तेज़ स्पीड होती है तो डर लगता है, बट इतनी तेज़ स्पीड नहीं थी, आराम से इजीली झूल लिया था हमने। उसके बाद अब हम नेक्स्ट झूले पे जा रहे हैं। Let's get down to business. Give you one more night, I've got this. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. So let's get down to business. Let's get down to business. One more night, one more night, I've got this. तो उसके बाद हम ये नेक्स्ट झूले पे आ गए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड ने। तो देखने में हमें ऐसा लग रहा था कि सिंपल वाला झूला है, ज़्यादा है मतलब डर नहीं लगेगा, बस सीरियसली जब हम बैठ के भी नहीं लगा, और जब हम झूले ना राउंड राउंड ना डर लगा, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जितना देखने में सिंपल लग रहा था सीरियसली गाइज उतना सिंपल नहीं था झूला, इतना ईजी नहीं था, बहुत डेंजरस वाला था ये झूला ना जब हम झूले इस पे बैठ कर। देखने में जितना सिंपल लगा ना उतना ही बहुत ज़्यादा डेंजरस था, मतलब हमारे मतलब इतना मुश्किल से हमने होल्ड किया हुआ था पीछे से, और ये जो सेंटर में खड़े थे ये चेयर अप के लिए खड़े थे, डांस करते फन करते, और हम सब मतलब सीट पे बैठे हुए थे, और पकड़ने का तो सिर्फ ऑप्शन पीछे से ही था। हमने अपना झूला झूलने के बाद फिर बच्चों को दोबारा से राइड दिलाई, तो इस बार तो दोनों बच्चे अकेले झूल रहे हैं, मतलब बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इंजॉय करे। इस बार आरव भी फन कर रहा था और गुड़िया भी। तो लास्ट में बस सब घर जाते जाते ये लास्ट ये खेल रहे हैं रिंग्स डालने का, इसमें ना गिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो बस निशाना लगाना होता है, रिंग्स डालना होता है। मेरे हस्बैंड को ये गेम बहुत पसंद है, तो हर साल तो ये गेम तो खेलते ही रहते हैं, जितना ही दिन भी ये झूले लगता है उस हर डेली बेटे को झुलाने जाते हैं तो ये राइड ये झूल ये क्या कहते हैं ये रिंग्स वाला गेम तो ज़रूर खेलते ही खेलते, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ऐसे निशाना लगा रहे थे, इस बार बैड लक रहा, कुछ भी नहीं आया, लेकिन पिछले साल इन्होंने जब भी खेला ना गिफ्ट ने कुछ लिए हैं इन्होंने। एक
ये बटरफ्लाई वाला राइड था, बड़ों के लिए था। तो मेरी फ्रेंड और मैंने हमें सोचा कि ये राइड भी लेते हैं। तो उसे भी राइड लेने का शौक है, मुझे भी, बट मुझे डर लगता है क्योंकि कुछ राइड से मेरे को सूट नहीं करता, मुझे चक्कर अगर आने लग जाते तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी सोच समझ के ना हम फिर राइड ले रहे थे हम। तो ये राइड भी हमने बटरफ्लाई वाला लिया, ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था, मतलब इंजॉय किया इस राइड को भी हमने। फाइनली अब हम घर पे आ गए हैं, झूल के बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, मतलब बहुत ही अच्छा दिन गया और बहुत इंजॉय किया मैंने। मैं तो साथ में, मैं अपनी फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड के साथ गई थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटे, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत मतलब इस बार मतलब वहाँ पर जिस हम दूसरे एरिए में दूसरी जगह में हम ये लूना पार्क झूलने गए थे, तो वहाँ पर मतलब डिफरेंट टाइप के झूले लगे थे। तो इस बार झूले डिफरेंट टाइप के का एक्सपीरियंस लिया हमने और फाइनली अब झूल के अब हम बहुत थक गए हैं, टायर्ड हो गए। मेरा बेटा तो देखो कैसा हो रहा है, इसके कपड़े पड़े चेंज कर दिए, तो उदास हो रहा है क्योंकि ये एक झूले को ना, जैसे कि एक झूला इसने झूला नहीं ना, तो उदास हो गया। तो अब बस मैं अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, हस्बैंड भी ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं और आप टाइम देख सकते हैं, रात के बज रहे हैं 12:15। तो बस अब मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अब सोएंगे, बस सोना। खाना पीना भी हमने बाहर कर लिया था तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस अपना सोएंगे। कल हस्बैंड का ऑफ है तो आराम से उठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा लूना पार्क का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देन बाय।